नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28। रायबरेली एफसीआई के खाद्यान्न को बिकाने की फिराक में था ठेकेदार, रंगे हाथ पकड़ा गया। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शासन के निर्देशों की जमकर अवहेलना हुई है। यहां गरीबों को वितरित होने वाला राशन शासन के निर्देशों को धता बताते हुए सीधे कोटेदार के यहां न पहुंचा कर ठेकेदार मार्केटिंग के गोदाम में उतार रहा था। ग्रामीणों ने पूरे मामले की वीडियो बनाकर वायरल किया तो जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने SDM की अगुवाई में पूरी प्रशासनिक टीम मौके पर रवाना कर दी। SDM सलोन ने सभी अनाज कब्जे में लेकर उसकी बोरियों की गिनती के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस मामले में शासन के निर्देशों की घोर अवहेलना हुई है। शासन स्तर से जिले में डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू है। इसके तहत अब FCI से उठने वाला राशन सीधे कोटेदार तक पहुंचाए जाने की योजना है। इसके पीछे घटतौली रोके जाने की मंशा है। डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू होने से पूर्व FCI से उठने वाला गोदाम पहले मार्केटिंग गोदाम में उतारा जाता था, उसके बाद कोटेदार उसे खुद अपने साधन से उठाते थे, जहां घटतौली की शिकायतें आम बात थी। इसी को रोकने के लिए शासन स्तर से डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू की गई, जिसके तहत FCI से उठाया गया अनाज सीधे कोटेदार के यहां पहुंचता है, जिससे बीच में उतारे जाने के चलते होने वाली घटतौली से निजात मिली थी। बीती रात मनोज नाम के ठेकेदार ने शासन के निर्देशों को धता बताते हुए जब डील के मार्केटिंग गोदाम में गेहूं उतारा तो ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। कैमरामैन बबीता वर्मा के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट।